हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में कोई ब्लॉगिंग नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, और आज की ब्लॉगिंग थोड़ी सी यूजफुल, थोड़ी सी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि जो अपने घर में ब्लैंकेट्स होते हैं ना, उनको वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने आपको बताया है कि जो हम डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, रेगुलर कपड़े होते हैं, उनको कैसे वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं। और दूसरा जो मैंने बनाया था उसमें बेडशीट कैसे वॉश करते हैं, तो उसके लिए बनाया था। अभी ये जो तीसरा है जो कि ब्लैंकेट कैसे वॉश, क्योंकि सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। अगर आप बेडशीट वॉश करते हो उसके लिए अलग साइकिल होता है, अगर आप कपड़े वॉश करते हो डेली यूज़ के उसका साइकिल अलग होता है, ब्लैंकेट वॉश करते हो तो उसका साइकिल अलग होता है। और जिन्होंने नया नया अभी वॉशिंग मशीन परचेज किया है फ्रंट लोड, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं होती है, धीरे धीरे उनको सब पता चल जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे पास ना आज दो ब्लैंकेट है, और दोनों ही एक मीडियम साइज़ है और एक पतला साइज़ होता है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मेरे पास ये दो ब्लैंकेट है, आप देख सकते हैं, एक ये है और दूसरा ये वाला है। आप इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ये पतला वाला जो ब्लैंकेट आता है ना, ये देखिए, ये पतला वाला ब्लैंकेट है। और ये जो ब्लैंकेट है ये थोड़ा सा उससे जाड़ा ब्लैंकेट है, ये देखिए, ये थोड़ा सा जाड़ा है। तो हम देखते हैं अपने मशीन में डाल के पहले कि ये कितना आता है। अगर एक आएगा तो हम एक वॉश करेंगे, और दोनों अगर आराम से आ जाएंगे तो हम दोनों वॉश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन का डोर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं एक ब्लैंकेट डाल के चेक करूँगी। अगर काफ़ी स्पेस मिलेगा तो मैं सेकंड ब्लैंकेट भी उसी के अंदर डाल दूँगी। और अगर लगेगा कि हाँ जगह, ये देखिए बहुत सारी जगह यहाँ पे मिल रही है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ब्लैंकेट ना काफ़ी बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे साइज़ की हैं, मतलब सिंगल बेड के साइज़ के ब्लैंकेट। अगर डबल साइज़ के होते ना तो इसमें सिर्फ एक ही ब्लैंकेट आता और वही उतना काफ़ी था। तो यहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे ब्लैंकेट है, इसके लिए मैंने दो इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब इसको डाल के हमें डोर को अच्छे से बंद करना है, क्योंकि जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है ना उसमें डोर का ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए डोर को अच्छे से बंद करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है लिक्विड डिटर्जेंट जो कि ये गोदरेज का है, तो इसको बस ओपन करना है। और जितना आपने मतलब दो ब्लैंकेट डालना है ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिटर्जेंट डालना है। उसके बाद आपको मेन स्विच ऑन कर देना है, प्लस आपका जो नल है उसको भी चालू कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम मशीन को ऑन कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का की का साइन होता है वो अभी नहीं आ रहा है। जब हम साइकिल चूज कर लेंगे ना, तब वहाँ पे रेड कलर का जो की का साइन होता है ना वो वहाँ पे शो होने लगेगा। और हम चलते हैं साइकिल चूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम ब्लैंकेट वॉश कर रहे हैं, और हमारा ब्लैंकेट जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, मुश्किल से एक या दो दिन यूज़ किया है तभी उसको रखना है धो के। तो यहाँ पर मैं जो वूल का ऑप्शन है वो ले रही हूँ। और अगर आपका ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत टाइम यूज़ कर लिया, तो उसको आप कॉटन या कॉटन लॉर्ज कोई भी चूज़ कर सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ पे मैं वूल का ऑप्शन चूज़ कर ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 37 मिनट का आया है। उसके बाद यहाँ पे हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का की का साइन है वो आ गया है, क्योंकि आपका डोर अच्छे से बंद हो चुका है। क्योंकि बार बार ऐसे ही होता है, कभी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर आप लेते हैं ना तो डोर बंद होने का ही प्रॉब्लम रहता है। और यहाँ पर ये देखिए मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है, साथ में जो हमने डिटर्जेंट डाला था वो भी ले लिया है। और जब भी आप ब्लैंकेट वॉश करते हैं ना, तो अगर आप कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल कपड़े हम वॉश करते हैं ना उसमें पानी ना कम लेता है, और अगर हम ब्लैंकेट वॉश करते हैं तो इसमें कंटिन्यू पानी ले ही जा रहा है। और जो नॉर्मल कपड़े हम डेली यूज़ वाले कपड़े धोते हैं और ये ब्लैंकेट वॉश करते हैं ना, इसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। इसमें पानी ज़्यादा ले रही है मशीन, और प्लस जो हमने इसके अंदर ब्लैंकेट डाला है ना, इसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए, वो सिर्फ एक साइकिल घुमाएगी ना, उसके बाद फिर मशीन रुक जाती है काफ़ी टाइम तक के लिए, और फिर वापस से थोड़ी देर के लिए घुमाएगी। और ये देखिए मशीन में अभी तक पानी ले रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार इसलिए क्योंकि हर दो मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ ना, तो मशीन पानी ले ही जा रही है। और यहाँ पे ना 5 मिनट के आसपास टाइम हो गया है, और आप टाइम देख सकते हैं जो मशीन में 37 मिनट का लगा है ना, वो अभी तक कम नहीं हुआ है। और मशीन ने यहाँ पे अपना काम धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया है, बस थोड़ा सा ब्लैंकेट घूमता है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए पानी लिए जा रही है, और पानी लेते ही जा रही है कंटिन्यू, क्योंकि जो ब्लैंकेट होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उसमें जो भी डिटर्जेंट लगा रहता है ना उसको अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से साफ़ करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपेयर करें नॉर्मल कपड़ों से। इसके लिए यहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम मशीन को थोड़ी देर छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 34 मिनट का हो रहा है। तो अगर आप घड़ी से कंपेयर करेंगे मशीन के टाइम को ना, तो वो मैच नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल हम डेली यूज़ वाले कपड़े धोते हैं ना, वो अपना जो घड़ी रहती ना उससे काफ़ी हद तक मैच हो
होता है, बट ब्लैंकेट अगर आप वॉश कर रहे हैं ना तो मशीन रुक रुक के काम करती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है क्योंकि जो अपनी मशीन है वो धीरे धीरे ब्लैंकेट को साफ़ करेगी, थोड़ी देर उनको भिगा के रखती है, फिर थोड़ी देर के बाद घुमाती है, फिर थोड़ी देर उनको भिगा के रखती है, फिर थोड़ी देर बाद घुमाती है, तो ऐसे ही रुक रुक के मशीन ब्लैंकेट को वॉश करती है। तो सबका साइकिल ना अलग अलग है, अगर डेली यूज़ वाले कपड़े धोते हैं उनका साइकिल अलग है, अगर बेडशीट धोते हैं उनका साइकिल अलग है। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो डेली वेयर कपड़े रहते हैं वो कैसे वॉश करते हैं, ब्लैंकेट कैसे वॉश करते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो डाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 8 मिनट बचा है और यहाँ पे मशीन ने ब्लैंकेट को अच्छे से वॉश कर दिया, अब उसको सुखाने का काम कर रही है। तो जैसे ही ब्लैंकेट अच्छे से धुल जाते हैं उसके बाद मैं आपको ब्लैंकेट दिखाऊंगी कि कितने साफ़ हुए हैं या कितने गंदे हैं, क्योंकि 37 मिनट का ही टाइम है, क्योंकि ब्लैंकेट ऑलरेडी साफ़ थे, सिर्फ ये वीडियो बनाना था और ब्लैंकेट को मुझे धो के रखना भी था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पे ये देखे मशीन का काम हो चुका है, तो अब हम अपने ब्लैंकेट को निकाल लेते हैं और निकाल के उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे ब्लैंकेट धुल के आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने साफ दिख रहे हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से धुले गए हैं और दोनों ब्लैंकेट में जरा भी इसमें आप देखेंगे ना तो डिटर्जेंट का बिल्कुल भी नामो मात्र नहीं दिख रहा है कि आपको डिटर्जेंट का थोड़ा सा चिपचिपा हो लगने लगता है कपड़ा, अगर उसमें डिटर्जेंट रह जाता है ना तो हाथ से टच करेंगे ना तो थोड़ा सा चिपचिपा लगने लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे से साफ हुआ है हमारा ब्लैंकेट। अच्छी लगी आप सबको आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिए।